Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli, sir, with a fresh lecture of the topic called Application of Trigonometry. Application of trigonometry me karane se pehle. I welcome you to PUSA online classes, which is a part of Jupiter Education Planet Tilse. I welcome you all. Let's start with the chapter called Application of Trigonometry. अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की बात होती है तो ट्रिगोनोमेट्री इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ये हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है दिस इज कॉल्ड बेस एंगल दिस इज कॉल्ड बेस एंगल बेस एंगल के जो सात साइड होती है हम उसे स्मॉल भी बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं और अगर बहुत डिटेल में जाएं तो ये वाले एंगल को 90 माइनस थीटा बोलते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में करा है हमारे केस में जो थीटा होता है आमतौर पे वो 30 डिग्री होता है आमतौर पे वो 60 डिग्री होता है 45 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है हमारे टेंथ क्लास में दिस दीज आर द चार एंगल जो आपको यूज में आएंगे इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल साइन थीटा कॉस्ट थीटा टैन थीटा को थीटा, थीटा हाँ जाऊं तो आपको वैसे बता रहा हूं बड़ी टिप वाली बात कर रहा हूं कि नाइनटी डिग्री वाला हमारे को यूज नहीं होगा नाइनटी डिग्री वाला टेबल हमें यूज में नहीं आएगा हमें जीरो डिग्री वाली वैल्यूज भी कोर्स में नहीं है तो दोनों हटा दो तो याद कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए सिर्फ साइन की 30, 45, 60, सिक्सटी कॉस की 30, 45, 60, सिक्सटी टैन की थर्टी फोर्टी फाइव सिक्स की 30, 45, 60, सिक्स की वैसे मैं बोलता हूं ट्रिगो का पूरा टेबल याद रखो बट अगर कोई बच्चा बोलता है सर थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो ना तो साइन 30 की वैल्यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वन बाय टू होती है रूट थ्री बाय टू वन बाय फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाय रूट टू होती है मैं गलत दिख रहा हूं मैं एक स्टेप आगे हमेशा सोच रहा होता हूं फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाय रूट टू होती है ये रूट थ्री बाय टू होती है अगर याद हो तो इसकी रूट थ्री बाय बाय टू और वैल्यून होती, 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 होती है अब आ जाओ कॉट पे कॉट रूट थ्री वन और वन बाय रूट थ्री कोसेक थर्टी डिग्री होता है टू रूट टू और टू बाय थ्री और सीकेंड की बात करेंगे तो टू बाय थ्री टू और टू और इसमें एक वीआईपी बंदा होता है वो होता है टैन टैन आमतौर पर सबसे ज्यादा यूज होता है मगर हम सब कुछ यूज करेंगे हम सब कुछ यूज करेंगे हम कुछ बातें यूज करेंगे कुछ टर्म्स यूज करेंगे इस चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला है सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान देना ये है राइट एंगल ट्राइंगल नाइंटी डिग्री और ये एक बहुत बड़ा खंबा है ये एक बहुत बड़ा खंबा है जिसकी हाइट हमें नहीं पता जिसकी हाइट हमें नहीं पता और हम उस खंबे से 300 मीटर की दूरी पर खड़े हैं 300 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और जब हमने जमीन से देखा तो वो जो खंबे का टॉप है खंबे का जो टॉप है उसपे एंगल बन रहा है हमारी तरफ से जो बन रहा है वो बना फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी डिग्री हम जब यहां पर खड़े होकर हमने देखा तो खंबे की टॉप का एंगल बन रहा है सिक्सटी डिग्री इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला है बंदा कहता है यार सर फायदा क्या है इस चैप्टर का? तो हम कहेंगे भाई देख एक साइड दे रखी है राइट एंगल ट्राइंगल है दो साइड दे रखी होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते क्या लगा लेते पाइथागोरस थ्योरम। पहले ना मैं चैप्टर का फायदा बताना चाह रहा हूं तो इस चैप्टर में एक ही बात है जो निकालना है अपॉन जो गिवन है वो हमेशा बराबर होगा एक ट्रिगोनो मेट्रिक रेशो के बच्चे ने कहा सर मुझे नहीं समझ आ रहा आप कहना हो मैंने कहा अभी बताता हूं एक साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है एक साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है हम चाहे जो मर्जी साइड निकाल दें तो बच्चे ने कहा पहले ए बी निकाल के दिखाओ मैंने बोला ए बी निकालनी है जो निकालना है वो ऊपर जो निकालना है वो ऊपर और जो गिवन है गिवन कौन सी साइड है बच्चा बोलेगा गिवन है साइड आपकी ये वाली नीचे वाली क्या नाम है नीचे वाली साइड का BC अब बहुत ध्यान से देखो तो ए बी जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर है और जो BC है वो बेस है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टैन और टैन में कितने डिग्री टैन में 60 डिग्री तो बच्चा बोल जाएगा टैन 60 डिग्री हो जाएगा अब इससे फायदा क्या होगा मैं बोलूंगा ए बी की जगह लिखा एच BC की बी सी की जगह लिखा तीन और tan सिक्सटी की वैल्यू अब भी टेबल में दी है रूट थ्री होती है तो H बराबर हो जाएगा 300 हंड्रेड रूट थ्री मीटर्स हाइट ऑफ हाइट ऑफ जो निकालनी थी वो थ्री हंड्रेड रूट थ्री आ गई बिना वहां गए उस ट्राइंगल के लिए कोई इंची टेप नहीं लिया कुछ नहीं करा देख के बता दिया कि उस ट्राइंगल की हाइट कितनी है वैसे ही हम ये हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं आप तो खैर पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं बट पाइथागोरस थ्योरम से थोड़ा लंबा पड़ेगा तो बेसिकली आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लोग कहते हैं ना मैथ्स रियल लाइफ में कहा काम आता है तो मैथ्स यहां काम आता है और यहां तक आने के लिए जो चैप्टर्स आपका बेस बन रहे थे वो चैप्टर्स की मदद से आप यहां तक आए हो कि किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट निकालनी हो hypotenuse निकालनी हो बेस निकालनी हो बस आप हमें एक साइड दे दो आप हमें एक साइड दे दो और एक एंगल एक, एक, एक दे दो हम आपको सब कुछ दे देंगे दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बट वो कराने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी डिक्टन करेंगे थोड़ी सी डिक्टन करते हैं ना यार डिकटेशन मतलब अगर लिखाओ अस ऑन अ ग्राउंड इसका डायग्राम बनाओ अब कंफ्यूज मत हो ना इसका डायग्राम बनाओ अ टावर ऑफ ट्वेंटी मीटर स्टैंड ऑन अ ग्राउंड इसका मतलब क्या है तो बच्चा कहेगा सबसे पहले ग्राउंड बनाओ उसके ऊपर एक टावर बनाओ बस और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो इंसान को उसके नाम से बुलाओ आपको नाम जरूर पता होना चाहिए इंसान का तो हमने इसका नाम एबी रख दिया फालतू डायग्राम एक्सटेंड मत करो ये टावर खड़ा कर दिया अब क्या करें थोड़ा सा फिगर को इंफॉर्मेटिव बनाओ दुनिया का हर टावर जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है और टावर ऑफ 20 मीटर बोला गया है। अब ये फिगर बिल्कुल कंप्लीट हो गई है अ टावर ऑफ ट्वेंटी मीटर स्टैंड ऑन अ ग्राउंड बट अपनी तो आदत है पंगे लेने की तो आप उन लोग पंगे ले रहे हैं अब ये दो गोले गोले क्या बना दिए वो जो ए है उस ए को बोलेंगे ये जो ए है टॉप ऑफ टावर और ये जो पॉइंट बी है इसको बोलेंगे फुट या वर्ड यूज होगा बॉटम या होगा फुट या होगा बॉटम ऑफ टावर ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना पंगे ले रहा हूं ये फिगर्स में जान डाल दो आपको अपना दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा इसे बोलेंगे टॉप ऑफ द टावर इसको बोलेंगे फुट ऑफ द टावर और ये जो प्यारे बच्चों आपने बनाया है हाईलाइटर किधर है यार ये जो बनाया है इसको बोलते हैं टावर इसको हाईलाइट वाईलाइट करने की जरूरत नहीं है सिर्फ समझने की जरूरत है अब लैंग्वेज टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ रोड टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड तो मेरी क्लास बोलेगी ये रही एक रोड आर ए डी रोड अगर आप रोड वर्ड नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं सर हमने रोड तो बना दी अब आपने यहां वर्ड बोला टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट ये बात समझना एच वन इज इक्वल्स टू एच टू जो पहले पोल की हाइट है वो दूसरे पोल की हाइट के बराबर है बराबर है और ईदर ईदर का मतलब होता है दोनों तरफ ईदर का मतलब होता है दोनों तरफ मतलब एक ये रा टावर ये ये पाव, पा, पा, पोल ये एक पोल ये इक्वल हाइट वर्ड यूज करा है अपने आप फटाफट से पीछा छोड़वाओ इससे इसके आगे लिख दो एच इसके आगे लिख दो एच और अब नाम दे दो ए बी इसका नाम दे दो सी डी टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड इस तरफ भी और उस तरफ भी इक्वल हाइट के दो टावर्स खड़े हैं अगर क्लास सात है तो अगर पंगे लेने हो तो ये टॉप ऑफ पोल वन दिस इज टॉप ऑफ पोल टू दिस इज फुट ऑफ पोल दिस इज फुट ऑफ पोल टू ये दो बातें ध्यान से देख लेना आगे 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 एक और अ टावर ऑफ सेवन मीटर हाइट इज Placed, placed की जगह stands वर्ड भी आता है Stands on top of a building. Stands on top of a building. आराम से माता रानी का नाम लो और फिगर बनाने की कोशिश करो बन जाए तो ठीक है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आप जब चाहो मुझे पॉज कर सकते हो खुद से ट्राई करो रिकॉर्डेड क्लासेस का यही फायदा होता है न पॉज बी एनी टाइम इट इज एवरी टावर ऑफ हाइट से ऊपर एक टावर दे रखा है दिस इज द बिल्डिंग इस बिल्डिंग के ऊपर एक सात मीटर लंबा टावर है अब जरा ध्यान से देखो दुनिया की हर बिल्डिंग जमीन पर बनती है जमीन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है ये जो ए बी बन गया ये बन गई बिल्डिंग अगर साथ हो तो हर बार तुम्हें लिखना नहीं है बिल्डिंग बिल्डिंग तुम्हें पता होना चाहिए और ये जो बिल्डिंग के ऊपर है इसको बोलते हैं टावर बिल्डिंग के जो ऊपर है दैट इज कॉल्ड टावर तो ए बी इसको नाम दे दो सी इसको नाम दे दो डी अब बच्चा बोलेगा सर ये क्या है सर ये क्या है सर ये क्या है ध्यान से मैं चाहूंगा कि आप यहां कुछ लिखो आप यहां कुछ लिखो आप यहां कुछ लिखो अगर लिख सकते हो तो मुझे पॉज करो और आराम से इसको लिखो बच्चा बोलेगा सर ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यहां लिख देंगे टॉप ऑफ टावर इसको लिख देंगे फुट ऑफ टावर और इसको लिख देंगे फुट ऑफ बिल्डिंग इतने में एक बच्चा बोलेगा सर कहीं ना कहीं मुझे एक चीज आपसे थोड़ा सा दिक्कत दे रही है जिसको आपने फुट ऑफ द टावर बोला है। टावर का फुट बोला है वही पॉइंट तो बिल्डिंग की टॉप है तो इसी को टॉप ऑफ बिल्डिंग भी बोल सकते हैं यू कैन से यू कैन यूज ऑल दीज टू वर्ड आराम से माता रानी का नाम लो और फिगर को बनाते हुए चलो दिस इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अब आपकी लाइफ में यूज होने वाले दो वर्ड्स एलिवेशन एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर ये ध्यान दे लेना और एक और वर्ड यूज होता है डिप्रेशन आजकल मीडिया में बहुत है तो इसका मतलब होता है ऊपर से नीचे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे अंदर हम जो चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और जब अपने कॉन्फिडेंस अपनी एबिलिटीज पे थोड़ा सा डाउट होने लग जाता है तो बंदा थोड़ा बहुत डिप्रेशन में चला जाता है हो सकता है ऐसा लंबी जिंदगी है जिंदगी भर अपने पे विश्वास रहे कोई गारंटी नहीं है बट डिप्रेशन से बचने का बेस्ट पार्ट जो टाइम होता है तरीका होता है वो होता है बात करो अपने जो इतने सालों में जो रिलेशन बनाए अपनों से बात करो भगवान ना करे अगर कोई अपना नहीं है सो देर आर सो मेनी एनजीओ अब आप टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में है कि आई एम इन डिप्रेशन इफ आई एम इन डिप्रेशन तो मैं वहां बात करूंगा देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन विच आर देयर टू हेल्प यू और अगर आज आप किसी की मदद लेते हो तो इससे आपका फायदा नहीं है इससे आप आने वाले समय में और सौ हजार लाखों लोगों की मदद कर सकते हो यू बिकम अ सोर्स समझो हर वो चीज जो सिखाती है जो टीचर है हर वो चीज जो सिखाती है वो कभी ना कभी तो खुद भी सीखती है तो भगवान ना करे इफ यू आर फाइटिंग डिप्रेशन डोंट गो इन टोटल साइलेंस टॉक टू योर लव्ड वंस एंड उसमें ये भी पता चल जाएगा दे दे आर रियली योर लव्ड वंस अगर इफ दे आर आर रियली योर लव्ड वंस दे दे विल हेल्प यू टू राइज एंड इफ नॉट तो आपको एक बार ये पता चल जाएगा यार ये मेरे लव्ड वंस नहीं थे इट विल हेल्प यू टू रियलाइज कि कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है आई एम सॉरी मैं टॉपिक से थोड़ा बाहर चला गया बट ये जरूरी था एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं दैट इज कॉल्ड एलिवेशन जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इसमें मेरी नौकरी जा सकती है बिल्कुल आराम से मेरी नौकरी जा सकती है अगर मैं ये फिगर बना दू तो नहीं हमेशा सबसे ज्यादा इज्जत देना बेस लाइन को ये बेस लाइन बहुत जरूरी है ये बेस लाइन बहुत जरूरी है डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे बेस लाइन बहुत जरूरी है बेस लाइन बहुत जरूरी है हॉरिजोंटल लाइन एंगल हमने पढ़ना है एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन तो एलिवेशन वाला एंगल जो होता है वही होता है जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं इस एंगल को बोलते हैं थीटा इस एंगल को नहीं लेते इस एंगल को क्यों नहीं लेते कोई बता पाएगा अगर कोई बता पाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी जो ट्रिगोनोमेट्री होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में अगर लग रही है तो बाकी दोनों एंगल्स को एक्यूट होना पड़ेगा टेंथ लेवल तक टेंथ तक इलेवन इनको बड़ा कर देंगे बट टेंथ लेवल तक दोनों एंगल्स को एक्यूट होना पड़ेगा ये बात ध्यान से देख लीजिएगा तो ये एंगल नहीं लिया जाएगा एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर सबसे पहले बेस लाइन नीचे से ऊपर आराम से ऐसी पंगे ले रहा हूं अब ये वाला एंगल बेस लाइन ऊपर से नीचे बट ये एंगल ऑफ है तो ये एंगल नहीं लिया जाएगा ऊपर से नीचे ये वाला एंगल ये थीटा वन ले लो ये थीटा टू ले लो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं सपोज छत से नीचे की तरफ देख, देख रहे हो तो ये रही आपकी छत छत से नीचे की तरफ देख रहे हो तो सबसे पहले लाइन बनेगी सबसे इंपॉर्टेंट है लाइन नीचे गली में एक पत्थर पड़ा हुआ है आप उसको देख रहे हो तो जो आप पत्थर को देख रहे हो ये ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल <coughs> बेस के साथ जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ स्टोन ऑन द रोड इज थर्टी डिग्री अब बच्चे ने कहा सर थोड़ा सा ना आपकी इस फिगर में एक गड़बड़ है अच्छा आपने छत बोला है तो थोड़ा इसको नाम दे दो ए बी सी डॉट 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 डी ये आप खड़े कहां पर हो छत के ऊपर सो so आप लिखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ स्टोन ऑन द रोड इज थर्टी डिग्री इफ ठीक है यहां इफ बिल्डिंग इज ट्वेंटी मीटर्स हाई बिल्डिंग इज ट्वेंटी मीटर्स हाई हाउ फार इज द स्टोन फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग माता रानी का नाम लो और इसको आराम से सॉल्व करो आराम से इस फिगर को सॉल्व करो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हाउ फार इज दिस फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग थोड़ा सा ध्यान से देख के करो फटाफट से करो अगर कर सकते हो तो मुझे पॉज कर दो तो बच्चा बोलेगा सर सबसे पहले आपने हमें दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ये रहा बिल्डिंग ये बिल्डिंग की टॉप द एंगल ऑफ डिप्रेशन डिप्रेशन के लिए ये लाइन बनानी बहुत ज्यादा जरूरी थी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्टोन ऑन द ग्राउंड इज थर्टी डिग्री इफ द बिल्डिंग इज ट्वेंटी मीटर हाई इफ द बिल्डिंग इज ट्वेंटी मीटर हाई हाउ फार इज द स्टोन हाउ फार इज द स्टोन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग ओके फुट ऑफ द बिल्डिंग थर्टी डिग्री है तो यह भी थर्टी डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कुछ बच्चे ये गलती कर बैठते हैं ये एंगल बनाना भूल जाते हैं आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा बट मार्क्स परफेक्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाना जरूरी है अब अपना एक ही रूल है जो साइड निकालनी है इन ट्राइंगल ए बी सी जो निकालनी है वो ऊपर जो दे रखी है वो नीचे अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो बी बी सी जो है वो बेस है और ए बी जो है वो पर पेंडिकुलर है बी अपॉन पी को बोलते हैं कॉट थीटा और कॉट थर्टी डिग्री क्लास बोलेगी बी सी एक्स अपॉन ए बी की जगह आ जाएगा ट्वेंटी और 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए 30 की वैल्यू, रूट 3 होती है। कुछ वैल्यूज हमें ट्वेंटी तो में तो वैल्यू रूट थ्री यूनिट्स मीटर्स 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 बोला है मीटर्स बोला है तो आंसर मीटर में जरूर लिखना अगर कहीं मैंने नहीं लिखा तो मेरी ये मीटर्स है तो मैंने हाँ मीटर लिखा है मैं देख रहा था कहीं मुझसे गलती ना हो गई हो तो सिंपल सी बात है एक फिगर को देखते हैं फिगर को देखते हैं और देखते हैं फिर मैं कहूंगा इसकी इंग्लिश लिखो एक फिगर को देखते हैं फिर मैं कहूंगा इसकी इंग्लिश लिखो तो बच्चा बोलेगा ये ये दे रखा है थर्टी डिग्री ये लगी थर्टी इसलिए थर्टी लिख रहा हूं ये नाइनटी ये सी इसकी इंग्लिश लिखो तो बच्चा बोलेगा इंग्लिश का तो ज्यादा पता नहीं आपने टावर बिल्डिंग कुछ नहीं दे रखा हम इसको टावर मान लेते हैं, हम इसको टावर मान लेते हैं ये तो ऑब्वियसली क्या है पॉइंट ऑन ग्राउंड है ये पॉइंट ऑन ग्राउंड है और ये एंगल है अब कौन सा एंगल है तो नॉर्मल सी बात हो रही है कहां से कहां देखा जा रहा है बच्चा कहेगा ये नीचे से ऊपर देखा जा रहा है क्योंकि नीचे से ऊपर देखा जा रहा है तो इस एंगल का एक स्पेशल नाम होगा इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ एलिवेशन अब इंग्लिश तो हम नहीं लिख पाए हमने फिगर को थोड़ा बहुत लिख दिया तो हमने लिखा कैसे फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड जो चीज लिख दो उसको अपने आप को क्लियर कर दो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन अब जैसे ये लिख दिया ऑफ ये टॉप ऑफ टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एंगल ऑफ एलिवेशन लिख दिया टॉप ऑफ टावर लिख दिया इज फाउंड टू बी थर्टी डिग्री चलो अभी तेरा भी नाम ले लिया तेरा नाम लिया तो नाम ले लिया अब बस दैट्स कुछ नहीं अब यहां पर मैंने ऐसी पंगे लेने के लिए लिख दिया 40 मीटर्स इफ द पॉइंट इज 40 मीटर्स अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 40 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग बोल दो या टावर बोल दो फिर वही वाली बात आ गई फिर हाइट के पीछे बढ़ गया जयम अब अगर चाहो तो मुझे पॉज करो और भाई लोग इसका आंसर निकालो भाई लोग इसका आंसर निकालो और बहुत ज्यादा जरूरी है तो बच्चा बोलेगा जो दे रखा है वो जो निकालना है वो ऊपर ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अप ऑन बेस इज इक्वल टू टेन थर्टी बच्चा कहेगा इस बार फॉर्मूला नहीं लिखा Perpendicular upon base. अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ Perpendicular upon base tan होता है और base angle 30 है और तो tan 30. अब एच अप ऑन फोर्टी इज इक्वल टू टेन थर्टी इज वन अपॉन रूट थ्री टेन थर्टी की वैल्यू वन बाय रूट थ्री हो गया है इसे ऊपर ले जाओ

कि रूट थ्री की वैल्यू 1.73 है तो लिख दीजिएगा इस तरीके से इस चैप्टर में हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है कोई ज्यादा हाई तो नहीं करनी सपोज अगर इसकी इंग्लिश लिख दो तो मजा आ जाएगा मजा मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा अगर आप इसकी इंग्लिश लिख दो तो मैं फैन हो जाऊंगा आप लोग का मैं आप लोग का फैन वैसे भी हूं बेटा तुम बच्चे ही हो जो हमारी जिंदगी आगे हमें पॉपुलर बनाते हो एंड थैंक्स टू दिस इंटरनेट थिंग कि हम लोग इतने दूर दूर के बच्चों से कनेक्ट हो पाते हैं ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री 45 डिग्री आपका नाम है लाइट हाउस आपका नाम है लाइट हाउस और आपको हमने 100 मीटर की हाइट दे दी अब हमने बोला इंग्लिश लिखो हमने बोला यहां पर एक शिप है शिप वन नाम दे दिया यहां पर एक और शिप है लाइट हाउसेस वहां पर होते हैं शिप टू मैं आपसे कह रहा हूं फिगर बनी पड़ी है इंग्लिश लिखो मुझे पॉज करना ठीक दो मिनट के लिए और इंग्लिश लिखो तो बच्चा बोलेगा अब कैसे करें सर यह है टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम उॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस बोलते ही चल भाई तेरी जरूरत होगी ऊपर से नीचे देख रहे हैं ऊपर से नीचे देख रहे हैं एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऑफ टू शिप्स टू शिप्स बोला तो आप भी गए आप भी गए ऑन ईदर साइड ऑफ इट साइड का मतलब एक इस तरफ है और एक इस तरफ है दोनों एक तरफ नहीं है एक इस तरफ है और एक इस तरफ है ऑन ईदर साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली कौन गया 30 डिग्री भी गया 45 डिग्री भी गया इफ द लाइट हाउस इज हंड्रेड मीटर्स अबव ग्राउंड इफ द लाइट हाउस इज अव हंड्रेड मीटर अबव ग्राउंड चलो भाई आपका भी यूज कर लिया फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है हमें ये डिस्टेंस निकालना है सी डी तो हम एक बच्चा प्यारा सा बच्चा बोलेगा इस डिस्टेंस को ले लो x और इस डिस्टेंस को ले लो y अब भी भी बोलूंगा कि मुझे पॉज कर दो और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो अब बच्चा बोलेगा सर कैसे करें तो मैं बोलूंगा बिल्कुल चिल करें सबसे पहले ये देखिए मैं ये क्या कर रहा हूं बच्चा कहेगा सर ये ड्राइंग ड्राइंग मत खेलो आपने ड्राइंग करी आपने ड्राइंग करी ट्राइंगल ए बी और सी में सबसे पहले मेरी क्लास बोलेगी इन ट्राइंगल ए बी सी जो निकालना है वो ऊपर तो ये निकालना है बी सी निकालना है बी सी अपॉन जो दे रखा है वो नीचे बी सी अपॉन ए बी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट और कॉट में ये 30 है तो ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से 30 हो जाएगा मैं रीजन नहीं लिख रहा हूं तुम्हें भी नहीं लिखना सीधा लिख देना कॉट 30 बस कॉट 30 की वैल्यू याद रखना रूट थ्री बीसी बराबर है एक्स अपॉन 100 इज इक्वल रूट थ्री तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100 रूट थ्री मीटर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी हंड्रेड रूट मीटर्स चलो कम से कम थोड़ा तो आगे आए तो क्या सर दो दो ट्राइंगल भी आएंगे मैं कहूंगा हां जी सर दो दो ट्राइंगल आ सकते हैं अब मैं क्या करने वाला हूं काफी बच्चों को पता है किस ट्राइंगल में मैं क्या चाल चलूंगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी डी ए बी डी बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए बी फिर वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्कॉट फोर्टी फाइव जिसकी वैल्यू होती है तो, 100 1, तो 100 वो 100 है तो यह हंड्रेड मीटर है अब बच्चा बोलेगा डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बराबर होगा सी डी सी बराबर होगा x प्लस वाई हंड्रेड रूट थ्री प्लस हंड्रेड तो क्लास हंड्रेड कॉमन ले लेगी रूट थ्री प्लस वन मीटर्स दिस इज द आंसर ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से कंपटीशन में और लेवल भी बढ़ता है बट इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आई होप कि इस लेक्चर में मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की आपको इंट्रोडक्शन पूा क्लासेस और जुपिटर एजुकेशन के बिहाफ पर बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं और अगर अच्छा लगा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो और ठीक है आई एम डूइंग माई जॉब यू डू योर्स जय माता दी गॉड ब्लेस यू